Welcome everybody and good evening from Karachi. Yes, I am still in Karachi right now. Summer Live इस वीकेंड हम लोगों ने बहुत जोरों शोर से साथ मिलके मनाया and it was a fabulous weekend. नाजरीन मुजोर या जंगली घोड़ों को रेशमी डोरों से बांधा नहीं जा सकता. जॉन केन विलियम ने ये ब्रिटिश इंडिया के कबायली लोगों के हवाले से कहा था और इसी तरह उन खास कवानीन और कोड्स की जॉन विलियम के ने सपाही दी जिनके तहत हमारे आज के कबायली इलाके चलाए जा रहे हैं. अब जिस चीज ने सबसे पहले बरतानवी और फिर पाकिस्तानी माहिरीन कानून को परेशान किया वो खुद साख्ता रवायात और कवानीन था जो कबायली निज़ाम और सरदारी रवायात के मुताबिक तय पाए गए और जिनके तहत वो खुद से ही सही और गलत का फैसला करते थे और आज भी करते हैं. अब इन तमाम रवायात और फैसलों की सरपरस्ती वहां की इंतजामिया या किसी हद तक सियासत से वाबस्ता लोगों की मेरूने मिन्नत है. आज भी फाटा और पाटा में कोई भी बाकायदा अदालती निज़ाम नहीं नजर आता. आजकल गुफ्तगू तो हो रही है काजी कोर्ट्स और इन कोर्ट्स में मुंतखब करदा काजियों की तालीम काबिलियत पर, इनके निकात पर और इन सब में सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से. ये तो चले मालकन डिवीजन के मसाइल हो गए, मगर मंसेरा जिस पे निजाम अदल रेगुलेशन लागू नहीं है, जहां पे हकूमत की मुकम्मल रिट और अथॉरिटी होनी चाहिए, वहां गुजरे जुमे के दिन आप सब ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, काला धाका में एक औरत और एक आदमी आलिया बीबी और अजीमुल हक को गोलियों से उड़ा दिया गया. उनका कसूर ये कि दो बालिग मुसलमान औरत और आदमी होते हुए उन्होंने अपनी शादी का फैसला खुद कर कैसे लिया. इस जरूरत पे जिरगे ने उन्हें मार देने का फैसला दे दिया. अब क्या हमें फिर से अपने जहनों में उसी इंसाफ को दोहराना होगा जिसके सबब चांद बीबी को सैकड़ों नामहरमों के सामने तालिबान ने कोड़े मारे, वो जुर्म जिसके लिए अब भी शक व शुबात पाए जाते हैं, या फिर बात कर लें हर दिन गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली औरतों की, चाहे वो बलोची हों या सिंधी. वैसे तो पूरी रियासत में पाकिस्तान की अदालतें ही तमाम लोगों के लिए वाहिद जरिया है इंसाफ की फरहमी का, लेकिन आज क्या हैसियत है इन अदालतों की, हमारे आइन की. जैसे मैं देख सकती हूं अभी पाकिस्तान का अदालती निजाम तीन हिस्सों में तकसीम है. एक हमारे हो गए रेगुलर कोर्ट्स, जिरगा सिस्टम और तीसरे शराई कोर्ट्स. अब आज पाकिस्तान में जिस इलाके से आपका ताल्लुक है आपको वैसा ही इंसाफ मिलेगा. अब कौन से इंसानी हकूक, कौन सी बुनियादी शहरी हकूक, क्या रियासती तहफ्फुज़ की बातें, अरे कौन सी दुनिया में गुम हैं आप. आइए जागने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ आज मौजूद हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम के साहिबजादे एडवोकेट जाहिद इब्राहिम साहब. इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे नईम मिर्जा साहब, डायरेक्टर औरत फाउंडेशन. पेशावर स्टूडियो से हमारा साथ देंगे एएनपी के सरदार हुसैन बाबक साहब. आप सबकी तशरीफ़ावी का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी जाहिद, मुझे ये बताइए कि अभी जो एक हम लीगल डाइवर्सिटी पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये बस मैं ही शोर मचा रही हूँ या असल में यही है? नहीं, ज़रूर. आप इनफैक्ट हमारे मुल्क में अभी एक तजाद सामने आ रहा है और वो तजाद ये है कि हमें किस कानून के तहत, इस बिकॉज हमारा एक मुल्क एक आइन के तहत हम कितने मुख्तलिफ लीगल सिस्टम्स बर्दाश्त कर सकते हैं. और ये टेस्ट उस सूरत में सामने आ रहा है जब एक लश्कर, जो एक आर्म्ड लश्कर है, वो रियासत को चैलेंज भी कर रहा है और रियासत से ये डिमांड कर रहा है कि उनके मुताबिक जो कानून है उसको इन्फोर्स किया जाए. वो रियासत से एक टकराव की लहज पे हैं और इससे कानून जो हमारा आईन हमें जो प्रोटेक्शन देता है, देखें आपके आईन में शरीयत कोड भी है, आपके आईन के तहत काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है आपके, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही क्या स्वात में कौन से गैम्बलिंग के डेंट्स थे, कौन सी अय्याश और कौन सी गैर इस्लामी चीज़ें हो रही थी जिसके लिए ये उन्होंने बंदूक उठाई है और रियासत से एक टक्कर ली है. बिल्कुल, ये टक्कर मेरे नज़र में इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक यूज ऑफ वायलेंस टू इन्फोर्स देयर एजेंडा ऑन ये आम लोगों के ऊपर उनका एजेंडा फोर्स करने की कोशिश है और रियासत पे अब ये मुनसर है कि वो इन लोगों को एक जवाब दें. अच्छा, ये तो आपने कवर कर लिया ना हमारे पूरे जो मालाखंड एजेंसी के अंदर, स्वात के अंदर जो सब कुछ हो रहा है. ठीक है, जिधर हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी की यू नो टेंड कर दिया अगर उनने कुछ किया, किसी को कोड़े पड़ रहे हैं, मगर कभी भी ये नहीं देखा ट्रायल हुआ कि नहीं, कभी ये नहीं देखा अगर इस्लाम के मुताबिक करना है तो किसकी इंटरप्रिटेशन है, वो आपने उसको कवर कर दिया. अब जो मैं जिरगा सिस्टम की मैं बात कर रही हूं, मुझे ये बताइए कि क्या हमारे जिरगा सिस्टम को आइन का कोई भी तहफ्फुज मिला हुआ है, आइन के अंदर जिरगा के हवाले से क्या लिखा हुआ है? देखें, पाकिस्तानी कोर्ट्स ये 2004 में ये फैसला आ चुका है कि जिरगाज
आर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जहां तक ट्राइबल एरियाज का ताल्लुक है वहां पे एफसीआर 1901 का एफसीआर अभी भी नाफिज है। आप देखें 1.5 साल हो गया आपके प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उन्होंने पहली स्पीच में ये एक अहद किया था कि हम एफसीआर को वापस लेंगे, जिस पे बहुत लोगों ने अप्रिसिएशन की, लेकिन उसके बावजूद टेबलों के ऊपर हाथ सबसे पहले एएनपी ने भी मारे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने डेस्क बजाए लेकिन आज उस पर कोई अमल नहीं है, और अमल नहीं है इसलिए एक खला है और उस खला का लोग फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, हम चलते हैं जरा पेशावर की जानिब। जी हुसैन साहब, आपका तो एएनपी से ताल्लुक है। उसी के हवाले से मैं इतना कहूंगा कि इसी चीज पे, मतलब जब से शरिया रेगुलेशन का निफाज वहां पे मलकन डिवीजन में इन पर्टिकुलर इन स्वात में हुआ है, तो बड़ी मतलब बड़ा चढ़ा के मीडिया जिस अंदाज में मतलब उसको कर रही है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक इनजस्टिस है। देखिए इसमें कौन सा काम ऐसा है जो कि बिल्कुल मावरा, आप उसको आइन कहें कि मतलब इसमें एक ऐसा अमल हुआ है जो मावरा आइन है। अगर वहाँ पे आवाम के मसाइल सालों साल हल न होना मतलब नज़र नहीं आता था, मतलब एक मसला जो है 50 साल से 40 साल से 10 साल से ऐसे ऐसे भी मसाइल पड़े हैं, अगर मतलब एक्सपीडाइट हो, जस्टिस जो है वो बिल्कुल मतलब वहाँ लोगों को मयसर हो, इंसाफ की फराहम। मुझे ये बताइए कि मेरे ख्याल में इसमें जी मुझे ये बताइए वेयर डू यू ड्रॉ द फाइन लाइन बिटवीन, यानी कि आप किधर से डिस्टिंक्शन मेक करते हैं कि जिधर आप एक सस्ता और बहुत यू नो इंसाफ बहुत जल्दी फराहम करें लोगों को, और किधर वही इंसाफ शायद एक मैसेकर बन जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का या लोगों के इंसानी हकूक के हवाले से। तो वो फाइन लाइन आप किधर ड्रॉ करते हैं? चीप, इजी एंड फास्ट जस्टिस की तो हम बात कर रहे हैं, मगर एट व्हाट कॉस्ट? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, कौन इस तरह कर सकता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो। चलिए फिर मुझे आप ये बताइए, देखिए मनसेरा तो मालाकंड एजेंसी का हिस्सा नहीं है, राइट? यस और नो? यस, यू आर। और उसके ऊपर अभी एएनपी की हकूमत मनसेरा में आपकी ही हकूमत है, यस और नो? यस, यू आर राइट। तो मुझे ये बताइए हुसैन साहब कि ये कैसे हो गया कि उधर एक बालिग औरत और एक बालिग आदमी को गोलियों से उड़ा दिया गया, कैसे ये हो गया? आपकी हुकूमत या आप लोग किधर थे लॉ एनफोर्स करने के लिए? ये जिरगा ने ये डिसाइड किया कि ये हराम है और ये कैसे भाग गए और उनकी लाशें गोलियों से उड़ा के उनके खानदान को वापस दे दी गई? देखिए मेरे ख्याल में एक तो सोशल नॉर्म्स की बात है और मतलब दूसरी तरफ बात जो है वो कानून की है और ला की है। हमारे यहाँ मतलब मैं आपको ये इतना कहूँ कि हम पख्तून हैं तो हमारे जो रवायात हैं उसी में हुजरा शामिल है, उसमें जरगा शामिल है, उसमें मरका शामिल है, और आप जाके अगर हम ये कहें तो मुसलमान हम भी हैं और सऊदी अरब में जो लोग बसते हैं वो भी मुसलमान हैं, लेकिन उनके सोशल नॉर्म्स में और हमारे सोशल नॉर्म्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा आर्गुमेंट नहीं है कि मतलब हम पेवस्त कर लें सोशल नॉर्म्स को उन कवानीन से। देखिए तजादात होते हैं, मतलब तसादम भी होता है, बाज चीज़ें ऐसे होती हैं कि मतलब वो मुत्तफिक होती है अक्वाम के मतलब अंदर, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है। मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ कि मतलब जिस अंदाज से मीडिया इन चीज़ों को उछालती है और मतलब ये जो हमारे एनालिस्ट साहिबान हैं जिस अंदाज से इन चीज़ों को उछालते हैं, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। मलकंड डिवीज़न की मतलब आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जब से मर्ज हुआ है पाकिस्तान में तो वहाँ पर मतलब लोगों को एक सस्ता जो इंसाफ है वो फराहम होता था। अब उन लोगों का एक दीरीना मुतालबा था सूफी मोहम्मद साहब की शक्ल में, वो मुसविदा तैयार हुआ, उसी मुसविदे को जाके फिर मतलब कौमी असम्बली ने इंडोर्स किया, बाद में जाके प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन किया। अब एक ऐसा मतलब जाब्ता आपको उसको कहे कि अगर वो मलकन डिवीज़न के सारी आवाम का अगर मुतालबा था और मुतालबा है, अगर सूबाई हुकूमत ने अमन अमान की खातिर, उन लोगों के मुतालबे की खातिर, लोगों को स्पीडी जस्टिस प्रोविजन की खातिर, इम्पोर्ट की खातिर किया गया, तो मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अपना जरा जवाब नहीं मिल रहा। देखिए जिधर भी हमारा कोई भी नॉर्म या कोई भी हमारा ट्रेडिशन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आए आइन के साथ या कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आए ह्यूमन राइट्स के साथ या हमारे चार्टर के यूएन चार्टर के साथ, तो उसको तो वॉइड और इलीगल कहते हैं, राइट? तो आज जब जिरगा ने ये डिसाइड कर लिया मनसेरा के अंदर कि इनको मार दिया जाए बिकॉज इन लोगों ने बहुत गलत एक हरकत की है कि खुद ही अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया और भाग भी गए। नहीं, नहीं।